बैठ भी जा टिक के। मैं तो सुबह से भागते भागते टांगे थक गई। लो कर लो बात, कुछ गड़बड़ लगती है अम्मी, ऑपरेशन कर दिया होगा शायद। आई अस्पताल वाले तो बात बात पर ऑपरेशन कर देते हैं। पिछली बार दो बच्चे मरे हुए पैदा हुए और इस बार पोते का मुंह देखूं तो दिल को ठंडक पड़े। इसकी हालत देख रही हो तुम लता? क्या बताऊं सोनिया, ये इसके साथ तीसरी बार हो रहा है। पहली दो बार भी मैंने ही इसको देखा था। इसके पति को कितना समझाया था, एक तो कम उम्र में शादी कर देते हैं, ऊपर से बच्चे की जल्दी, उसके बाद भी अस्पताल नहीं लाएंगे, जाहिल दाइयों के भरोसे बैठे रहेंगे और जब केस बिगड़ जाएगा तब आएगी याद इनको अस्पताल की। खून चढ़ाना पड़ेगा, खून की काफी कमी हो गई है। थैंक गॉड, कम से कम जान तो बच गई इसकी। अब लता तुम ही जाके इसके पति से बात करो, मेरे बस की बात नहीं इन लोगों से बात करना। तुम परेशान मत हो, अब मैं जाके उसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। हाय अल्लाह, फिर से? या अल्लाह, मेरा तो नसीब ही खोटा है। बच्चा कोख के अंदर ही मर चुका था, तो शुक्र है कि मरीज की जान बच गई। लो कर लो बात, डॉक्टर साहब हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पाकिजा में कुछ कमी है क्या? हाँ कमी है, लेकिन उसके पति में यानी आपके अंदर। पिछली बार जब आप पाकिजा को लेके मेरे पास आए थे तो मैंने कितना समझाया था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने 18 साल की उम्र में उसे तीसरी बार माँ बनने के लिए मजबूर कर दिया। वो तो मर ही जाती, लेकिन शायद उसकी किस्मत में अभी और दुख झेलने बाकी है, वो भी आप दोनों के हाथों। अब रहने भी दो डॉक्टर जी, हमने भी इसी उम्र में बच्चे जने। शर्म आनी चाहिए आपको, आप औरत होकर दूसरी औरत पे इसलिए जुल्म कर रही हैं क्योंकि जाने अनजाने में आपके साथ भी जुल्म हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग अपने फायदे की बातें समझ सके। मुझे मालूम है कि आप लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन क्या करें, सच बहुत कड़वा होता है। डॉक्टर जी, लड़का था या लड़की? लड़की। मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरे नसीब में नहीं है पोते का मुंह देखना। लौंडिया हुई वो अभी मरी हुई। अब क्या करें अम्मी? अब क्या करेगा, चल घर छोड़ा मुझे, सुबह से भागते भागते जान निकल गई मेरी तो। बड़े शर्म की बात है, आप लोगों को अपना दुख दर्द नजर आ रहा है लेकिन पाकिजा के हालात और तकलीफ से आप लोगों को कोई सरोकार नहीं। आई डॉक्टर जी, बच्चा जने तो तकलीफ हो गई है और जनी भी क्या, मरी हुई लौंडिया। पहली गलती तो पाकिजा के पिता ने करी, कम उम्र में उसकी शादी करके। हमारे देश का कानून है कि शादी से पहले लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और दूसरी गलती तुम्हारी है हारून। अरे 18 साल से कम उम्र की लड़की की कोख माँ बनने लायक होती ही नहीं है, और तुमने बिना सोचे समझे उसे तीसरी बार माँ बनने के लिए मजबूर कर दिया। आज क्या बोले जा रही हो डॉक्टर जी, बच्चे कोख में आने पर भी कोई रोक है क्या? ये तो अल्लाह का करम होवे तब होवे। यही सोचना तो गलत है। क्यों हारून, क्या तुम्हें मालूम नहीं था
कि ऐसे में तुम्हें परिवार नियोजन का कोई साधन अपनाना चाहिए था। अब रहने भी दो, क्या पट्टी पढ़ा जा रही हो मेरे लौंडे को? कोई पट्टी नहीं पढ़ा रही, सही सलाह दी है मैंने। जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो भी। और हारू तुमने कौन सा अपना फर्ज निभाया? गर्भवती महिला का माँ बनने तक 3 तिमाही जांच पड़ताल कराना जरूरी होता है। करवाई? उसके खाने पीने का ध्यान रखा? टीके लगवाए उसे? उसे कैल्शियम और आयरन की गोलियां खाने को दी? जी वो बात ऐसी थी। कुछ नहीं किया तुमने, सिर्फ उसे माँ बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे पतियों को। अरे हाय, इस औरत जात के तेवर तो देखो। पाकीज़ा जी, कैसी हो? तुम्हारे पति नहीं आए? जी वो दुकान पे जाते हैं। डॉक्टर बाजी, आपकी शादी हो गई क्या? नहीं तो, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वैसे ही पढ़े लिखे लोगों में शादी की जल्दी नहीं करते क्या? अभी इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ, पहले पढ़ाई लिखाई, फिर नौकरी और तब शादी। और एक हम हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम ज्यादा बातें मत करो और चुपचाप लेट जाओ। 2-3 दिन में तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। तब तक तुम यहाँ खूब फल वल खाओ और दूध पियो। क्या बात है पाकीज़ा, तुम्हारे मायके से कोई नहीं आता? कोई होगा तो आएगा ना। अच्छा तुम लेट जाओ पक्कू। क्या पक्कू, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं वो बात नहीं है, बस यूं ही कोई याद आ गया। रूमी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पक्कू। बाजी फिर पक्कू कहा आपने, हम छोटी बच्ची नहीं हैं। अच्छा जी, पाकीज़ा खातून यहाँ आइए, काम खत्म करके तशरीफ लाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बस अभी आते हैं, जरा झाड़ू रखा है। ठीक है। आ गई? अम्मा कैसी है तुम्हारी, बुखार उतरा कि नहीं? अबू से कहा था कि अस्पताल में दिखा कर लाए उन्हें? जी। अच्छा कॉपी दिखा दे। अरे वाह, तुमने जो कॉपी में काम किया है ना, बहुत अच्छा किया है, इसलिए इनाम में मैं तुम्हें ये किताब देती हूँ। किताब? शुक्रिया रूमी बाजी। चलो कॉपी खोल। अच्छा अलिफ बेते से तो तुमने पढ़ी लिया है, अब उसे मिलाकर पढ़ते हैं। लिखो। अम्मा अम्मा देखो, रूमी बाजी ने मुझे उर्दू और हिसाब की किताब दी है। अरे बेटी क्या करेगी इन किताबों का, तेरे मुकद्दर में तो झाड़ू और बर्तन ही लिखा है। नहीं बाजी ने कहा है मेहनत से पढ़ाई करो, फिर वो स्कूल में दाखिला करा देंगे। अरे मेरी बच्ची, झोपड़ी में रहने वाले महलों को ख्वाब नहीं देखा सकते। बाजी कहती है पढ़ने लिखने से ही हमारा भला होगा और स्कूल की फीस भी ही बाजी देंगी। सुनते हो पाकीज़ा के अब्बू, क्या कहती है तुम्हारी बेटी? चुप रहे, बढ़िया ही पढ़ाई लिखाई करने वाली। एक बेटा था, 4 जमात पढ़ के हीरो बन गया, घर से निकल गया कमबख्त। तेरी भी पर निकलने खबरदार, जो पढ़ाई लिखाई की बात करी जाने भी दे। अब तू तो बिस्तर से लग गई, अब इस लड़की की जिम्मेदारी मेरे बस की बात नहीं है। कुछ दिनों में सियानी हो जाएगी, ये कोई अच्छा सा घर देख के इसके हाथ पीले कर दूंगा, कम से कम चैन से तो मर सकेंगे हम दोनों। क्या बात है पाकीज़ा, तुम रो क्यों रही हो? अपने नसीब पे रो रही हूँ बाजी।
मैं पढ़ना चाहती थी और अब्बा ने पढ़ने नहीं दिया और इसलिए 15 साल की उम्र में शादी करवा दी मेरी। रो मत, ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, लेकिन यहाँ रोने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तुम्हें हिम्मत और बहादुरी से इसका मुकाबला करना पड़ेगा ताकि आने वाले वक्त में इस नाइंसाफी को खत्म किया जा सके और औरत को उसका हक मिल सके। तुम रो मत पाकिजा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। मेरा कोई नहीं है, माँ तो शादी से पहले ही मर गई और इसीलिए अब्बा ने जल्दी से शादी करवा दी और पिछले साल अब्बा का भी इंतकाल हो गया। सॉरी पाकिजा, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अगर तुम मेरी एक बात ध्यान रख सको तो शायद अपनी जिंदगी को मकसद दे पाओगी। रोने धोने से और हालात के आगे घुटने टेकने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि इससे इंसान कमजोर पड़ता है। तुम्हें हर मुश्किल का डट के मुकाबला करना है और हिम्मत कभी मत हारो। पर ये सब इतना आसान नहीं है। हौसला पैदा करो, सब आसान हो जाएगा। कोशिश करके देखूंगी। ये हुई ना बात, शाबाश। अब तुम जाकर वार्ड का चक्कर लगाओ, मैं बाद में आकर तुमसे मिलती हूँ। अभी चलती हूँ। हाँ गया तो मैं तो कहूं आज फैसला कर ही दे, या तो मैं रहूंगी इस घर में या फिर ये रहेगी करूंगी इस घर में। काम की नकाज की ढाई मन अनाज की। क्या हुआ, अब क्या कर दिया इसने? करेगी क्या, घर में जी लगता नहीं, जाने कहां कहां मारी मारी फिरती रहती है। मियां हमारे घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। मैंने टोका तो कहने लगी मैं घर में घुट घुट के मरना नहीं चाहती। अच्छा, कहाँ गई थी? कौन से जुल्म हो रहे हैं तुझ पर जो मरे जा रही है? बगल वाले मोहल्ले के उस्तानी के पास गई थी, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया अम्मी ने तो। जवान मत चला, क्या करेगी पढ़ लिख कर? जो काम करने का है वो कर और कान खोल के सुन ले, औरत की जगह घर में है बस। ना जी ना, मैं तो कहूँ आज फैसला हो ही जाना चाहिए। और हारून, हम इसके नखरे क्यों सहें? क्या दिया है इसने हमें? एक बच्चा तो दे ना सके, कोख जली। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे क्यों कोस रही हैं आप? बस बहुत हो गया, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। चल निकल यहाँ से, अभी खड़े खड़े देता हूँ तुझे तलाक। अम्मी से जमान लड़ाती है। मत कहिए। मैं कहाँ जाऊंगी? सुना नहीं तूने बजा? संभाल अपना बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से। देखना कैसे चांद सी दुल्हन लाऊंगी अपने हारों के लिए, जो भर देगी बच्चों से मेरा आंगन, और ना भरे तो मेरा नाम बिल्किस नहीं। बस तू हमारा पीछा छोड़। तू बेटा, तू यहां बैठी क्या कर रही? क्या हुआ? मामा, मैं
मैं घर से बेघर हो गई मामू। लेकिन हुआ क्या बेटा, मुझे बता तो सही क्या हुआ? मैं मां नहीं बन सकी इसलिए तलाक दे दिया। घर से निकाल दिया इन्होंने। चल बेटा, कर तू पहले मेरे साथ घर चल बेटा, मैं कल हारून से बात करता हूँ, देखता हूँ उसको और उसकी माँ को। चल चल मेरे साथ, चल चल बेटा। कोई फायदा नहीं, दोनों की रजामंदी से ही हुआ है ये सब। अरे मैं, तू चल चल चल, तू मेरे साथ चल, आजा बेटा आजा, चल 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 मेरे साथ चल बेटा, चल चल। अरे पाकीजा तुम इस वक्त, क्या बात है, खैरियत तो है? पाकीजा अब्बा क्या हुआ? अरे सब बताता हूँ भाई, पहले खाना खिलाओ। जा बेटा जाकर के हाथ पैर धो ले और खाना खाने के लिए आ जा। नहीं मुझे भूख नहीं है। ये बकवास है क्या, इतनी छोटी छोटी बातों पर खाना छोड़ते हैं? चल जा बेटा, शाबाश जा, हाथ धो गया। आगे पीछे की अच्छी तरह सोच ली है ना? आ जा बेटा। तुम दोनों इसमें खा लो ना। क्या हुआ पाकीजा आपा, खाओ ना। जी कहाँ चाहेगा खाना खाने को। जा बेटी अपना सामान उठा ले, वहाँ कोठरी में रख दे, खटोला पड़ा है, आराम कर ले। बेचारी। अरे मैं पूछती हूँ, क्या तलाक दे दी इसे? अल्लाह जाने, ये तो यही कह रही थी कि माँ बेटे कोई दूसरी शादी करने की सोच रहे। अब कल जाऊंगा, देखता हूँ, अगर कुछ सुलह भुलह हो जाए तो ठीक है, वरना हमारे अलावा इसका है कौन। अल्लाह देख लो, हमारे घर में भी जवान लड़की है, अरे बिरादरी वाले क्या कहेंगे? बोला ना, सुबह जाऊंगा, नमाज के बाद दो चार लोगों को लेकर के जाऊंगा, इमाम साहब को भी लेकर के ले जाऊंगा, उनका जाना। अल्लाह रहम करे हमारे हाल पर। चल बर्तन उठा अम्मी। और हाँ, उस पाकीजा को बिस्तर दे देना, एक पुरानी चादर और कोई पुरानी दरी निकाल देना। अम्मी वैसे पाकीजा आपा है तो बहुत अच्छी, जाने क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? अल्लाह रहम करे हमारे हाल पर। चल बर्तन उठा। देख बेटा, मुझे तो पता है कि तेरा बाबू एक छोटे से मदरसे में अदना सा मास्टर है, ऐसे ही गुजर बसर करते हैं, तेरी भी हो जाएगी। मैं जाऊंगा कल हारून के पास, उससे और उसकी माँ से मिलूंगा, क्या पता वो लोग अपना फैसला बदल दे। बेटा अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करूंगा कि तुझे कोई तकलीफ ना हो,
लेकिन अगर कुछ कमी रह जाए तो माफ कर देना अपने मामू को। ऐसा क्यों कह रहे हैं मामू? ये क्या कम है कि आपने मेरा इस बुरे वक्त में साथ दिया? जब कोई नहीं था इस देहर में तो आपने यहां सरा दिया। ना बेटा, अगर मैं अपनी इस फर्ज का निभा नहीं करता तो कयामत के दिन अल्लाह मियां को क्या शक्ल दिखा था। दोबारा हम कर बेटा, अपना ख्याल रख। मैं भेजता हूं अभी रुखसाना को, वो तेरा बिस्तर बिछा देगी, आराम से सो जा। इसी तरह से गुजर बसर करते हैं, ऐसी तेरी भी हो जाएगी। तुम भी कमाल के मर्द हो। आई अपने हालात का रोना क्या जरूरी था? क्यों, कुछ गलत क्या है क्या? आ, नहीं, तुम भला गलत क्यों कहोगे? मगर मैं पूछती हूँ कि आगे की क्या सोचा है? अरे आगे की क्या सोचना, वो यही रहेगी हमारे साथ इस घर में बस। वो तो ठीक है, मगर कब तक? जब तक कि उसका मुस्तकबिल तय नहीं हो जाता। यानी? अब क्या कहूं तुमसे, अब कल जाऊंगा उसके शौहर हारून उसकी सास से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, तब तक मैं क्या बताऊं तुमको? अरे वो तो ठीक है, मगर दूसरे के फटे में टांग अड़ाना क्या जरूरी था? देखो वो दूसरी नहीं है, वो इस घर की बच्ची है, हमारी रिश्तेदार है, दूर की हो भली लेकिन सारी रिश्तेदारी भूल जाऊं क्या मैं? अरे नहीं, बढ़ चढ़ के निभा करो, कल बिरादरी वाले क्या कहेंगे इसका क्या सोचना। मुझे किसी बिरादरी की चिंता नहीं है, आगे की आगे देखी जाएगी। और बात बात में अपने नथुने मत बजाया करो तुम। घर में बेटी जवान हो रही है इसीलिए नथुने बजा रही हूँ, तुम्हें क्या सराय बना डालो घर को। ठीक है तुम जाकर के सो, मुझे भी जरा चैन दे दो। बेटा तकिया लेके आना, मैं यही सोऊंगा। जब यही रोना। ये अम्मी भी ना, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है कुछ पता चलता है? अब कहाँ ढूंढू चादर? हाँ, क्या खखेरा खखोरी मचाए है, तुझे अभी तक चादर नहीं मिली? उधर बक्से में वो क्या गुजारी पड़ी है? तुम्हारा हुक्म में जा रही हूँ और क्या, अब चादर कहाँ है? आ ही गई हो तो तुम ही ढूंढ लो। लो बक्से में तो ऐसे ढूंढ रही है जैसे तेरे अब्बू ने बड़ी चादरों के गट्ठर खरीद के रखे। ले ये दे यहाँ चादर से, अंधी हो रही सामने रखी दिखाई नहीं पड़ता, दे लकड़ी गले पकड़ी। और कहाँ चली सुन तो? जी बंदी हाजिर है, क्या हुक्म है कनीज को? बड़ी नौटंकी बाज है तू। अजी कहाँ, बड़ी तो आप हैं, भला इस कमीन की औकात ही क्या? मार दूंगी। तो फिर मारो ना अम्मी, मारो। रुक क्यों गई, मुझे भी तो पता चले तकलीफ कैसी होती है और कैसा लगता होगा पाकीज़ा आपा को, जिन पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। तू अभी छोटी है, इतना बढ़ चढ़ कर मत सोचा कर रुखसाना। तू नहीं जानती ये सब नसीबों का खेल है। मगर मगर क्या बोलो अम्मी? यही कि इस तरह घर बार छोड़ के नहीं आया जाता। तो क्या गलती पाकीज़ा आपा की है? खुदा जाने गलती किसकी है। मैं बताती हूँ गलती किसकी है। गलती है लड़की होना, इस दहर में लड़की पैदा होकर आना।
हर फिल्म में भी तो यही कहा जाता है, क्यों कुछ गलत कहा? अरे नादान, ये फिल्मों का भूत उतार के एक तरफ रख दे और चल उठ चादर दे। क्या जाती हूँ, पहले कपड़े तो बदल लूं। जब मर्जी हो चली जाना, मैं चलूं ढेरों बर्तन रखे मलने को। ठीक है, आप जाकर राख लगाओ, आती हूँ। इस तरह चौंक कर क्या देख रही है? हैरान है मुझे यहाँ देखकर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये भी भला पूछने की बात है? जहाँ तुम वहाँ मैं, खुदा के वास्ते तन्हा छोड़ दो मुझे। तन्हाई में गुजारा हो लेगा तुम्हारा? तुम्हें मेरी जरूरत है, इसीलिए आई हूँ। तो फिर जल्दी बोलो और दफा हो जाओ यहाँ से। आगे क्या करने का सोचा है? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं सोचा। क्या तुम्हें डॉक्टर लता की सलाह पे अमल नहीं करना चाहिए? यानी कि एक बार फिर जिंदगी को शुरू करना होगा तुम्हें। पर कैसे? तुम्हें अपनी अधूरी तालीम के बारे में सोचना होगा, अपने अधूरे ख्वाब को पूरा करना होगा। वो सब मुझसे नहीं होगा। जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई है, उन सब के चलते मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? तब कहाँ होगा गुजारा? कुछ सोचा है? यही मामू के घर में। कब तक? तब तक जब तक नसीब में लिखा है। वक्त तुम्हारा दुश्मन है, इतना भरोसा मत करो वक्त पर। ठीक है, जब वक्त बेरहम होगा तब देख लूंगी। अभी तुम जाओ यहां से, मुझे बरगलाओ मत। जो मैं नहीं कर सकती उसे करने की नसीहत मत दो।